हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर संदीप आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रुप फॉर ऑल में स्वागत करता हूं यूनुस एंड इकोनॉमिक्स फॉर पीस और ये जो आर्टिकल है ये लिखा है फरीदा खान इन्होंने ये जो आर्टिकल है फर्स्ट ईयर बीकॉम जो है एसपीपीयू मतलब सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में वहां पे एक सब्जेक्ट है कंपलसरी इंग्लिश वहां पे ये स्टडी करने के लिए दिया है ये आर्टिकल ऑफ फैक्चुअल है और ये जो नाम है मोहम्मद यूनुस एक लिविंग लीजेंड है हम देखेंगे ये आर्टिकल में किस प्रकार से उन्होंने बांग्लादेश में विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स पीस मतलब शांति प्रस्तापित की थी तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल मोहम्मद यूनुस एंड इकोनॉमिक्स फॉर स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी आर्टिकल हो या पोयम हो जब आप स्टडी कर रहे हो या फिर लेसन हो सबसे पहले जो अथर है वो पर्टिकुलर आर्टिकल या फिर लेशन, या फिर फिर पोयम का वहां पे आपको उनके बारे में ब्रीफ में इंफॉर्मेशन मालूम होना जरूरी है जिससे आपको पता चलता है क्रेडिबिलिटी क्या है वो ऑथर की तो यहाँ पे देखते हैं फरीदा खान ये जो है शी इज प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड को डरेक्टर सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉनसिन पाक साइड द यूएसए यहाँ पे जो फरीदा खान है एक प्रोफेसर है और कौन से सब्जेक्ट के है इकोनॉमिक्स के और कौन से यूनिवर्सिटी में है यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कोनसिन पाक साइड और ये यूनिवर्सिटी जो है ये यूएसए में है यहाँ पे देखिए सेकेंड पॉइंट दिया है she has a background in international trade policy and works on the development in South Asia, particularly unka jo study hai research hai international trade policy ke bare mein hai aur prominently उनका जो focus है South Asia में जो development है जैसे कि ये international trade policy का impact क्या होता है उसपे उन्होंने study किया है उसके बाद में third point है प्राइमरीली वर्क अबाउट बांग्लादेश इट्स कैपिटल गुड्स माइक्रो क्रेडिट एंड जेंडर डी स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट दिया है एक है माइक्रो क्रेडिट और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है जेंडर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाइल स्टडिंग दिस आर्टिकल ये जो आर्टिकल है फैक्चुअल है और हम लाइन टू लाइन ये आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं आगे देखते हैं नाउ आपके जो टाइटल में है मोहम्मद यूनुस ये जो नाम आया है एन इकोनॉमिक्स फॉर पीस ये मोहम्मद यूनिस जो है ये कौन है ये यहाँ पे हम समझ लेंगे मोहम्मद यूनुस हु इज मोहम्मद यूनुस तो देखिए स्क्रीन पे दिया है ही वॉज बॉर्न ऑन जून ट्वेंटी एट नाइनटीन फोर्टी इन भटुआ चित्तगांग बांग्लादेश में उनका जन्म हुआ उन्होंने एजुकेशन क्या किया है ही कॉम्प्लीटेड मतलब क्या दिया है ही कॉम्प्लीटेड डॉक्टरेट इसका मतलब होता है पीएचडी इन इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में उन्होंने पीएचडी की है और कौन सी यूनिवर्सिटी से वेंडरबेल्ट यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट से उन्होंने ये पीएचडी की है उन्हें सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है स्टूडेंट्स मोहम्मद यूनिस इनके बारे में

इन विच इंड सिक्स रीजन क्या था उन्होंने जो ग्रामीण बैंक स्टैब्लिश की है उसके जरिए बांग्लादेश में उन्होंने इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट किस प्रकार से किया है हमें यहाँ देखना है और वहां पे उन्होंने एक जो कॉन्सेप्ट वहां पे यूज किया है और कॉन्सेप्ट है माइक्रो क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए ही फाउंडेड द ग्रामीण बैंक इन नाइनटीन एटी थ्री दिस बैंक प्रोवाइड स्मॉल लोन्स मतलब क्या है माइक्रो क्रेडिट टू द अंडर प्रिविलेज विदाउट रिक्वायरिंग सिक्योरिटी इसका मतलब है उन्होंने बैंक स्टार्ट किया ग्रामीण बैंक उसके जरिए उन्होंने क्या किया एक कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया था जो कॉन्सेप्ट है माइक्रो क्रेडिट का जिसे हम कहते हैं स्मॉल लोन्स देना विदाउट सिक्योरिटी इससे किस प्रकार से फायदा हुआ है हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मोहम्मद यूनिस जो है इनका यहाँ पे फोटो दिया गया है नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यू विथ हु इज मोहम्मद यूनिस कंटिन्यू करते हैं देखिए ही ऑथर्ड सेवरल बुक्स उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे ऑन माइक्रो फाइनेंस एंड सोशल बिजनेस इंक्लूडिंग उन्होंने जो बुक्स लिखे हैं वो लिखे हैं माइक्रो फाइनेंस एंड सोशल बिजनेस यहाँ पे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल बिजनेस और इंक्लूडिंग यहाँ पे दिए है बैंकर टू दुअर एंड क्रिएटिंग अ वर्ल्ड विदाउट पॉवर्टी ये जो है इंपॉर्टेंट ऐसे उनके बुक्स है उसके बाद में बिफोर एस्टैब्लिशिंग ग्रामीण बैंक ग्रामीण बैंक स्टार्ट करने से पहले यूनिस वाज़ अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे कहा यूनिवर्सिटी बांग्लादेश में देखिए यूनिसेस माइक्रो फाइनेंस मॉडल हैज रेप्लिकेटेड इन मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हेल्पिंग मिलियंस टू एस्केप व्हाट पॉवर्टी इसका फायदा किस प्रकार से हुआ है माइक्रो क्रेडिट उन्होंने स्टार्ट किया था माइक्रो क्रेडिट मतलब स्मॉल लोन्स देना विदाउट सिक्योरिटी ये जो मॉडल है इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय अदर कंट्रीज ऑल्सो बहुत सारे कंट्रीज ने किया और उसका फायदा हुआ है उन्हें सोसाइटी को एक प्रकार से डेवलप करने का और सोसाइटी में शांति पूर्वक कुछ चीजें जो है देश में होनी चाहिए उसका फायदा इकोनॉमिक्स के जरिए पीस किस प्रकार से एस्टेब्लिश किया जा सकता है ये मोहम्मद यूनिस इन्होंने दिखाया है आगे देखते क्या दिया है नाउ स्टूडेंट्स Let us start with this. this? This is the original article. The Bangladeshi microcredit pioneer, Muhammad Yunus, is the first economist to win a Nobel Peace Prize. He has won it for the way his Grameen Bank has put development economics at the service of women's empowerment. ये जो आर्टिकल है इसके शुरुआत में ही दिया है ये जो माइक्रो क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है किस प्रकार से उन्होंने ग्रामीण बैंक के जरिए विमेन एम्पावरमेंट करने के लिए किया था अभी देखिए शुरुआत में हमने एक वहां पे वर्ड देखा था जैसे कि माइक्रो क्रेडिट एंड एंड वहां पे दिया था क्या दिया था देखिए वहां पे दिया था जेंडर क्या दिया था जेंडर तो यहां पे मेल और फीमेल जो है मेन एंड डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में होता है वहां को एम्पायर किस प्रकार से किया है इंडिपेंडेंट किया है विद हेल्प ऑफ वर्ड बाय गिविंग माइक्रो क्रेडिट इसका मतलब होता है स्मॉल लोन्स देके तो देखते हैं और इज देर बांग्लादेशी माइक्रो क्रेडिट पायोनियर उनका नाम है मोहम्मद ही फर्स्ट इकोनॉमिक स्टार्टेड दिस वन और ये जो यहाँ पे सिंबल दिया है दिस इज एक्चुअली लोगो ऑफ ग्रामीण बैंक नाउ दिस इज इन इट सेल्फ वर्दी ऑफ एग्जामिनेशन अ क्यूरियसिटी हाउ हैज इकोनॉमिक्स कल्टिवेटेड पीस यहाँ पे क्वेश्चन रेस किया है यहां पे देखिए नोबेल प्राइज ये इकोनॉमिक्स में भी दिया जाता है आपको यहां यह समझना है और ये जो है पीस के लिए भी दिया जाता है लेकिन मोहम्मद जो है उनको इकोनॉमिक्स के जरिए उन्होंने किस प्रकार से शांति प्रस्तापित की थी बांग्लादेश में वो हमें यहाँ पे देखना है और यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क दिया है कैसे कल्टीवेट किया था किस प्रकार से उन्होंने वो अचीव किया है द इकोनॉमिक रीजन फॉर वॉर आर फार बेटर नोन एज इज नॉलेज दैट वॉर है इंस्ट्रूमेंटल इन सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स दैन प्रोवाइडिंग जॉब एंड एमिल्योरेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ इनसफिशियंट डिमांड यहां पर क्या दिया है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा सेंटेंस इकोनॉमिक रीजन किस चीज के लिए वॉर के लिए वीनो दैट वन किस प्रकार से होते है एज अ नॉलेज दैट वॉर हैूमेंटल इन सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स सस्टेन करने के लिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इसका जो रेट है सस्टेन करने के लिए वार भी यहाँ पे देखिए वार कैसे रीजन हो सकता है इस ये हमें पता है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या दिया है यहाँ पे जो प्रोवाइडिंग जॉब्स है एमटिंग द प्रॉब्लम ऑफ इनसफिशिएंट डिमांड मतलब नॉट सफिशियंट नॉट सफिशियंट किस प्रकार से होता है यह हमें पता है लेकिन आगे देखिए इसका ये जो रिलेशन uh, जो है नेक्स्ट पार्ट से किस प्रकार से है सो व्हाट इज दिस न्यू फाउंड रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड पीस ये इंपॉर्टेंट है ठीक है हमें वॉर के बारे में और इकोनॉमिक्स ग्रोथ के बारे में पता है फाइन लेकिन यहां पे जो दिया है रिलेशनशिप क्या है इकोनॉमिक्स और पीस के बीच में तो ये हम यहां पर देखेंगे एंड वाई हैज प्रोफेसर यूनोस

उस प्रकार से इकोनॉमिक्स के लिए उन्हें नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था तो उन्हें दिया गया था शांति प्रस्तापित करने के लिए तो देखते क्या रीजन है यहां पे देखिए अभी द नोबेल पीस प्राइज इज गिवन टू द पर्सन हु शैल हैव डन द मोस्ट और द बेस्ट वर्क फॉर फ्रैटर्निटी अमंग नेशंस फॉर द एवॉल्यूशन और रिडक्शन ऑफ स्टैंडिंग आर्मीज एंड फॉर द होल्डिंग एंड प्रमोशन ऑफ पीस देखिए किस व्यक्ति को दिया जाता है नोबेल पीस प्राइज ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो क्या करेगा मोस्ट और बेस्ट वर्क अमंग नेशंस नेशंस में शांति प्रस्तापित करने के लिए उनका प्रोग्रेस होने के लिए फॉर द एवॉल्यूशन और रिडक्शन ऑफ स्टैंडिंग आर्मी फॉर एग्जाम्पल अगर वॉर होता है तो उनका जो वॉर है उनको स्टॉप करने के लिए क्या पॉलिसीज हो सकते हैं उसके लिए दिया जा सकता है इट इज अवॉर्डेड मेंबर टीम इनकी जो नोबेल प्राइज कमेटी होती है फाइव मेंबर्स की टीम होती है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी अपॉइंटेड बाय नॉर्वेज स्टार्टिंग स्टार्टिंग का मतलब होता है पार्लियामेंट द इकोनॉमिक्स प्राइज ऑन द अदर हैंड इज फंडेड बाय द स्वर रिक्स बैंक And awarded by the Royal Swedish Academy of तो यहाँ पे हमें बेसिक इंफॉर्मेशन दी है कि ये जो है नोबेल पीस प्राइज किसे दिया जाता है और कौन देता है इसका यहाँ पे हमें कंप्लीट उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है आगे देखते हैं देखिए द 2006 थाउजेंड सिक्स नोबेल कमिटी से प्राइज वॉज गिवन टू मोहम्मद यूनिस एंड टू ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश फॉर दर एफर्ट्स टू क्रिएट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेंटेंस है सेंटेंस में दिया है ये जो ग्रामीण बैंक है जो ग्रामीण बैंक है और मोहम्मद यूनिसे उन्हें टू थाउजेंड सिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था और एफर्ट्स क्या थे उनके उन्होंने क्या किया था क्रिएट क्या जनरेट किया था इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट जो विकास हुआ था और फ्रॉम बिलो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो पुअर है उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए ग्रामीण बैंक ने जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था पॉलिसी स्टार्ट की थी स्मॉल लोन देने की उसका फायदा किस प्रकार से हुआ है लास्टिंग पीस द फॉर्मल अनाउंसमेंट सेड कैनॉट बी अचीवड अनलेस लार्ज पॉपुलेशन ग्रुप्स फाइंड वेज इन विच टू ब्रेक आउट ऑफ पॉवर्टी पॉवर्टी मतलब दो चार पांच छह दस लोगों की कम करना नहीं मतलब क्या दिया क्या दिया यहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन बहुत सारे लोगों को उसका अगर बेनिफिट होता है फायदा होता है देन एंड देन यू कैन ब्रेक वॉर यू कैन स्टॉप पॉवर्टी आप देखते हैं यहां माइक्रो क्रेडिट इज वन ऑफ द मेन्स टू अचीव दिस सर्विंग दर फोर टू एडवांस डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स तो इसका फायदा हुआ है डेमोक्रेसी जो है उसे अपलिफ्ट करना स्ट्रांग करना और उसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स जो है उसे भी बचाना उसे भी सिक्योरिटी देना तो देखते आगे नाउ a banker to poorer देखिए क्या दिया है शुरुआत में दिया है a banker to poorer क्यों कहा है देखते हैं व्हाट हैव ग्रामीण बैंक एंड मोहम्मद यूनिस डन क्या किया उन्होंने देखिए क्वेश्चंस पूछा क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज किया है व्हाट काइंड ऑफ कनेक्शन कैन बी मेड बिटवीन बैंकिंग डेमोक्रेसी एंड पीस किस प्रकार से ये प्रस्तापित होता है क्या क्या कनेक्शन है बैंकिंग और डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी और पीस ये तीनों चीजों के तीनों में क्या है कनेक्शन क्या है द ग्रामीण स्टोरी इज इंडीड यूनिक पे देखना अभी क्या स्टोरी एग्जैक्टली इट बिगिंस विद मोहम्मद विदम्म रिटर्न टू बांग्लादेश आफ्टर कंप्लीटिंग हिज डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स एंड देन टीचिंग एट अल टेरेंसी स्टेट यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स तो ये कब शुरुआत हुई मोहम्मद इनिस जब बांग्लादेश में वापस आए उन्होंने टीचिंग जो स्टार्ट किया था ये स्टार्ट हुआ था तब और कौन सा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स यूनोस हैड बीन गाइडेड इन दिस पाथ बाय निकोलस गॉर्गेस्क्यू रोजिंग ये जो नाम है यहाँ पे दिया है उन्होंने गाइड किया था मोहम्मद यूनिस इनको अ यूनिक थिंकर हु क्रिएटेड इवोल्यूशनरी इकोनॉमिक्स ये कौन है निकोलस ये जो कौन है एक थिंकर है यूनिक थिंकर और जिन्होंने इवोल्यूशनरी इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत कुछ लिखा है और उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे हुआ है एंड इन्फ्लुएंस इन इन वे दैट वुड हेल्प हिम डेवलप द आइडियाज बिहाइंड ग्रामीण बैंक एक सपोर्ट मिला था उन्हें उनके आइडियाज का गॉर्जेस्यू रोजन मेर यूनिस अंडरस्टैंड दैट विदाउट द ह्यूमन साइड इकोनॉमिक्स इज जस्ट एज हार्ड एज एंड ड्राई एज स्टोन अगर इकोनॉमिक्स में ह्यूमन ह्यूमन जो है ह्यूमन बींग का अगर आप कंसिडरेशन नहीं करोगे दैट इज नॉट गुड एट और इट इज हार्ड एंड ड्राई इसका मतलब क्या होता है देर इज नो प्रॉफिट ऑफ दैट तो आगे देखते हैं क्या कंटिन्यूएशन में दिया है देखिए यूनस रिटर्न इन 1972 ही केम बैक ही टॉट ओवर दैट इन मिडल टेनेंसी यूनिवर्सिटी आल्सो एंड देन ही केम बैक इन 1972 टू द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री एंड बिगन टीचिंग इन चित्तगांग यूनिवर्सिटी उन्होंने वहां पे स्टार्ट किया टीचिंग स्टार्ट किया टीचिंग प्रोफेशन में देयरिंग द फॉर्माइन ऑफ 1974 ही वाज वेरी ट्रबलड बाय द जंक्चर बिटवीन एकेडमिक इकोनॉमिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड द रियलिटी ऑफ पीपल डाइंग फ्रॉम हंगर उन्हें ये पता चला था जो हम क्लास में सिखाते हैं जो थियोरी पढ़ाते हैं और ये जो 1974 में फमाइन आया था जो फमाइन आया था उसकी वजह से लोग मर रहे थे भूख के कारण क्योंकि उन्हें खाने को नहीं मिल रहा था तो उन्हें एक समझ में आया कि ये जो प्रॉब्लम है हम क्लास में बुक्स जो पढ़ाते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट है एंड व्हाट इज देयर प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ इट एंड प्रैक्टिकली इसे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसीलिए दिया है पीपल आर टाइंग फ्रॉम हंगर जो लोग मर रहे थे आपके वो जो इकोनॉमिक्स से क्लास में जो पढ़ाया है पे वो आप काम नहीं आ रहा था अब देखते हैं ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू टीच द एलिग्नेंट इकोनॉमिक मॉडल्स विच वेन प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट वर सपोज टू एलिविएट डेस्टिट्यूशन देखिए ये जो है यहां पे किस प्रकार से यहाँ पे देखिए ही ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू टीच द एलिग्नेंट इकोनॉमिक मॉडल्स वे वेन प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड बाई गवर्नमेंट सपोज टू एलिविएट डेस्टिट्यूशन मतलब जो वहां पे पॉवर्टी uh, थी उसे किस प्रकार से कम किया जा सकता था अगर ये जो पूरे

ंग एंड सेल केन स्टूल्स यहाँ पे दिए है आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई देगा इसे हम केन स्टूल्स कहते हैं शी हेड टू बोरो मनी लेंडर टू परचेस रॉ मटेरियल एंड मेड प्रॉफिट ऑफ पेनी ऑन ईच स्टूल यहाँ पे दिया है ये जो खतून है सुफिया खतून जो लोकल मनी लेंडर था जो पैसे देता था ऑन इंटरेस्ट हाई इंटरेस्ट वहां से पैसे लेके रॉ मटेरियल परचेस करना और केन्स टूल्स तैयार करके उन्हें मैन्युफैक्चर करके बेचना और उसमें से उन्हें कुछ अपेली यू कैन से लेस प्रॉफिट होता था यूनोस डिसाइडेड टू कट थ्रू द मोनोपोली पावर ऑफ यूशरियस लैंड इनक्रीज हर इनकम तब उन्होंने सोचा कि यहाँ पे हम ये जो मनी लेंडर है उनके खिलाफ नहीं लेकिन उसके जगह हम स्मॉल लोन्स उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं और उनकी जो मोनोपोली है मार्केट में वो कम कर सकते हैं उसका फायदा दोनों को होने वाला था यहाँ पे देखिए आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रामीण बैंक एंड इवन ऐसे लोगों को जो हाई इंटरेस्ट पे मनी लेंडर से पैसे लेते थे ही गैदर्ड ही स्टूडेंट टू विटनेस अ ट्रू लेसन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट उन्होंने उनके स्टूडेंट्स को एक साथ बुलाया और प्रैक्टिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है ये समझाने के लिए स्टार्ट किया एज ई लेंट मनी टू सोफिया एंड 41 वन अदर्स फॉर देयर बिजनेस प्रोजेक्ट उन्होंने क्या किया सुफिया खतुन जो है उन्हें उनके साथ 41 अदर्स और 41 जो विमेन थे उनको स्मॉल लोन दिया विदाउट सिक्योरिटी और उसका फायदा क्या हुआ देखिए यूनस पोएटिकली डिस्क्राइब व्हाट फॉलोड उन्होंने किया पे एक पोएटिकली डिस्क्राइब किया है व्हेन शी फाइनली रिसीव जब उन्हें पैसे मिले रिसीव द ट्वेंटी फाइव डॉलर शी इज ट्रेवलिंग उनके हाथ हिल रहे थे शी वॉज वॉट ट्रेवलिंग रीजन इज वॉट द मनी बर्न्स आर फिंगर्स

डेलीट बर्ड और अबिट अंटिल समू पुट दिन इट बी स्टोलन जो डेलीकेट बर्ड होता है उससे जिस प्रकार से हम बहुत ही अच्छे तरीके से और एक सेफली हम हैंडल कर दे उस प्रकार से उन्होंने पैसे पकड़े थे यहाँ पे क्या समझना है हमें स्टूडेंट ये जो स्मॉल है देखिए अभी ट्वेंटी फाइव डॉलर जो है

कोलैटरल इंटरेस्ट फ्री लोन्स वर मेड टू ग्रुप मेंबर्स हु कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर रीपेमेंट जिसे हम बचत गट ये जो वर्ड है वहां पे हम यूज कर सकते एक ग्रुप रहता है लोगों का एक साथ काम करते हैं और उन्होंने क्या स्टार्ट किया ग्रामीण बैंक ने और मोहम्मद रीपे करना है और बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में ग्रामीण बैंक वॉज फॉर्मली फाउंडेड इन सिक्स एंड इज ओन बाई इट्स बोरो द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन स्ट्रिक्ट बैंकिंग टर्म्स ग्रामीण इनिशियल रीपेमेंट रेट्स वर एट 97 परसेंट कंपेरेबल टू द मोस्ट कंजर्वेटिव ऑफ द लार्ज ग्लोबल बैंक्स। यहाँ पे देखिए क्या दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है उनका सक्सेस जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो बैंकिंग के जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें था इट वॉज दैट बट साइमल्टेनियसली क्या दिया है ये जो दिया है देखिए ग्रामीण इनिशियल रीपेमेंट्स रेट्स कितना था 97% और रीपेमेंट मिलने का रेट जो था उन्हें और ये जो था ना ये बहुत इट वाज एज कंपैरेबल टू द कंजर्वेटिव बैंक जो थे उनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा था मतलब उनका लोन जो है रिकवर हो रहा था क्योंकि उन्होंने ग्रुप में लोन दिया था और एक साथ सब काम कर रहे थे What was distinctly unusual was its clientele. 95 were women who owned less than half an acre of land. ये बहुत important है उनके जो customers थे वो सब बहुत ही poor ऐसे women थे. देखिए उनका इनकम सोर्स देखिए किस प्रकार से उन्होंने बढ़ाया था ग्रामीण बैंक में और साइमल्टेनियसली किस प्रकार से रीपेमेंट ये जो पुअर लोग थे कर रहे थे विदाउट एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी दे गॉट द लोन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप टू बोरो ग्रामीण ये जो ग्रुप थे उनको जो फंड मिलता था जो फंड मिलता था लोन के अगेंस्ट में बिकेम अ वे टू एम्पावर वीमेन और इसका फायदा जो हुआ विमेन एम्पावरमेंट में हुआ था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो होता था और विमेन जो है उनको इंडिपेंडेंट बनना इंडिपेंडेंट बनने के लिए एक प्रकार से एक डेस्टिनेशन एक पाथ क्रिएट किया था ग्रामीण बैंक ने बीइंग एबल टू बोरो एंड हैव देयर ओन एंटरप्राइजेस फॉर इनकम लेड टू ग्रेटर एजेंसी अमंग एंड से विद इन हाउस होल्ड मोर एजुकेशन फॉर दर चिल्ड्रेन एंड एसेड बिल्डिंग फॉर हार्ड कॉर पुअर हाउस होल्ड यहां पर देखिए ये जो है यहां पर विमेन एम्पावरमेंट जो है उन्हें क्या दिया गया है फार मोर पावर एंड विद इन हाउस होल्ड्स मोर एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रेन उन्होंने पैसा कमाना स्टार्ट किया और उनके चिल्ड्रेन को एजुकेशन देना भी स्टार्ट किया था और एक 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 प्रकार का क्या हो गया था एसेट क्रिएट करना स्टार्ट हुआ था देखिए स्टार्ट किया था विथ माइक्रोक्रोइिट लेकिन किस प्रकार से उसका फायदा जो है लोअर एक वर्ड आया था पीछे देखिए पुअर लोगों से उन्होंने अपलिफ्टिंग स्टार्ट किया था एट द सेम टाइम इट रिजल्टेड इन ऑब्जेक्शंस एंड रेजिस्टेंस फ्रॉम द मेल स्पाउसेज एंड फैमिली मेंबर्स एंड विलेज ऑफ आवर मॉन्जर्स सच एज रिलीजियस लीडर्स यस कोई अगर आप अच्छा काम करते तो वहां पे आपको अपोज होने वाला था और इसी प्रकार से मोहम्मद यूनुस जो है उनके बैंक को उनके पॉलिसीज को भी अपोज हुआ और ये कौन लोग थे ऑब्जेक्शन लेने वाले मेल स्पौसेस मतलब हस्बैंड जो है उसका ही क्या था अपोज था कि उसकी बीवी जो है ये लोन लेके जो काम कर रही है इंडिपेंडेंट बन रही है दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय हस्बैंड और ये जो पावर मॉन्जर्स थे और ये रिलीजियस लीडर्स थे उन्होंने भी अपोज किया था ये जो विमेन इंडिपेंडेंट बन रहे थे विद द हेल्प ऑफ स्मॉल लोन्स टेकन फ्रॉम ग्रामीण बैंक एट द सेम टाइम यहाँ पे जो फैमिली मेंबर्स थे उनका भी अपोज था और विलेज पावर मॉन्जर्स मैंने जैसे कहा है तो यहाँ पे हमें देखना है जब हमने यहाँ पे लिया था एग्जाम्पल कि उनके जो हजबेंड थे उनका भी अपोज था क्योंकि एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन हो रहा था और वो इंडिपेंडेंट बन रहे थे तो उसके वजह से होता था क्या यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमें दिखता है किस प्रकार का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पे हमें मेल डोमिनेंट सोसाइटी का एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दिखाई देता है तो जहां पे आप अच्छा काम करते हो वहां पे आपको कुछ अपोज होने वाला है और यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल हमने देखा है आगे देखते हैं क्या दिया है स्टूडेंट्स द ग्रामीण बैंक वेंट फर्दर

Many say that gramin has helped to build a relationship of trust, ye both important trust trust among trust among the rural women and the bankers,, Ek naya form tha a new form of social capital in face of increased fragmentation and destruction of traditional networks. What is without doubt?

इसीलिए यहां पे दिया है ट्रेडिशनल नेटवर्क और आगे देखते हैं क्या है नाउ स्टूडेंट्स सक्सेस ऑफ़ ग्रामीण वाज़ रेप्लिकेटेड इन रूरल अर्कनसांस ये एक इंपॉर्टेंट है रूरल अर्कनसांस वेन बिल क्लिंटन वॉज अ गवर्नर द अर्कनस गुड फंड मॉडल वॉज फर्दर कॉपीड बाय साउथ शोर बैंक एंड स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन इन सिटी एरियागो ये जो कॉन्सेप्ट था माइक्रो क्रेडिट का स्मॉल लोन्स देने का ये अडॉप्ट किया था और विल क्लिंटन जब गवर्नर थे और अर्कन सांस का मतलब होता क्या था एंड इट वॉज एडॉप्टेड इन अदर एरिया ऑल्सो इन डीड सिंस द नाइनटीन सेवेंटीज द माइक्रो क्रेडिट आइडिया ओरिजिनेटिंग With Gramin Bank has been used everywhere, there is probably not a single developing country in the world where microcredit has not been tried as a major to counter poverty. जितने भी बहुत सारे कंट्रीज यहाँ पे डेवलपिंग हैं, जिनका कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उन्होंने ये एडाप्ट किया था पॉलिसी माइक्रोक्रेडिट का और इसका फायदा टू काउंटर पॉवर्टी मतलब टू वर्क अगेंस्ट टू वर्क अगेंस्ट पॉवर्टी कैसे हम कम कर सकते हैं नाउ द वर्ल्ड बैंक हैड एक्सपेरिमेंटेड हैथ पॉवर्टी एलिवेशन फॉर केयर्स नाउ इट फंड्स मेनी स्कीम्स इनकॉर्पोरेटिंग माइक्रो क्रेडिट बोथ इन बांग्लादेश एंड अराउंड द ग्लोब ये जो वर्ल्ड बैंक है इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया था पॉवर्टी अगर कम करनी है एलिवेट करनी है गरीबी खत्म करनी है तो उसके लिए एक उन्होंने एक स्कीम स्टार्ट किया था और एट ब्रॉडर लेवल एंड इट वाज स्टार्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक उन्होंने भी इनकॉर्पोरेट किया था ये कॉन्सेप्ट मीडिया फ्रेंडली पर्सनैलिटी प्रोफेसर स्प्रेड द आइडिया ऑफ क्रेडिट फार एंड वाइड एंड टायरलेसली एडवोकेटेड द नोशन द्रेडिट इज अट कहा था कि जो है, लोन लेना एक ह्यूमन राइट right है नाउ नेक्स्ट ग्रामीण है अदर एरिया ग्रामीण बैंक ने आगे भी कुछ एरियाज में काम किया था वो एरियाज है बाई प्र स्टार्ट किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू रूरल एंटरप्रीनर थ्रू मोबाइल टेलीफोन्स उन्होंने आईसी टी यूज करना भी स्टार्ट किया था रूरल विमेन एंटरप्रीनर जो है उनके लिए जस्ट लाइक मोबाइल टेलीफोन दैन इंट्रोड्यूसिंग पेंशन स्कीम्स भी उन्होंने स्टार्ट किए थे एंड रिवाइविंग द प्रोडक्शन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ

द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ मोबाइल फोन इन बांग्लादेश में जो ग्रामीण टेलीकॉम है सबसे एक नेटवर्क है और लार्जेस्ट प्रोवाइडर है मोबाइल फोन्स प्रोवाइड करने वाला बांग्लादेश में नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मोहम्मद एंड ही ही इज इज अ अ ग्रामीण बैंक वर्क इन डिफरेंट सेक्टर्स डिफरेंट सेक्टर मोहम्मद यूनिसेस नैक ऑफ फाइंडिंग एंड अप्लाइंग द राइट बिजनेस आइडिया फॉर रूरल बांग्लादेश इज वॉट मैक्सिम अ रिमार्केबल डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट ये जो है क्रेडिट जाता है और राइट बिजनेस आइडिया फाइंड करना मोहम्मद यूनिस ने उन्होंने जो किया था और ये जो किया है रूरल बांग्लादेश में उन्होंने इंप्लीमेंट किया था एंड इट हैज मेड हिम अ रिमार्केबल डेवलपमेंट एंड इड यूनिसेस प्रोग्राम ऑफ एलिवेटिंग पॉवर्टी कुड इक्वली हैव एज बैंक्स टाइटन देयर क्रेडिट इन अ प्राइवेटाइज्ड वर्ल्ड इंक्रीजिंग पॉवर्टी मिजरी एंड क्राइम इन द प्रोसेस माइक्रो क्रेडिट एंड पीस मेकर्स विल हैव टू डू देयर विद जैसे यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुआ था बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे अलग जो चीजें थी जैसे कि इंक्रीजिंग पॉवर्टी मिजरी है क्राइम इन द प्रोसेस जो दिखाई दे रहा था ये सब साइमल्टेनियसली मार्केट में अवेलेबल था इट वॉज अपेरेंट ये दिखाई देता था लेकिन जो माइक्रो क्रेडिट कॉन्सेप्ट है कुछ एनजीओज है और पीस मेकर जो है उन्हें उनका काम करना था कंटिन्यू रखना था बैड एड एज इट मे बी टू मेक श्योर दैट द वायलेंस ऑफ स्टारवेशन एंड पॉवर्टी इज नॉट परपेचुएटेड बाई ग्लोबल गवर्नमेंट हैव नाउ ऑल एग्रीड टू लिव बाय द यूनिफॉर्म कोड ऑफ न्यू लिबरलिज्म जो कॉन्सेप्ट है न्यू लिबरलिज्म का मीनिंग होता है फुल ऑफ टी फुल ऑफ लिबर्टी ये जो कॉन्सेप्ट प्रस्तापित हुआ था यह जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था ये, ये यहाँ पे हमें देखना है स्टार्ट करते हैं आगे क्या दिया है नाउ स्टूडेंट टिल नाउ वी डिस्कस द एंटायर आर्टिकल एंड इन वॉट मैनर ग्रामीण बैंक एंड मोहम्मद यूनिश एंड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो क्रेडिट वर्क इन मेंटेनिंग पीस इन द सोसाइटी नाउ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे की पॉइंट्स क्या है ये आर्टिकल के देखिए फोकस क्या है इंट्रोडक्शन में इट इंट्रोड्यूसेस मोहम्मद यूनिस एज अ नोबेल लॉरेट हु हैज रिडिफाइंड इकोनॉमिक्स टू बी मोर सोशली कॉन्शियस यहाँ पे इंट्रोडक्शन में जो दिया है मोहम्मद यूनिस एक नोबेल लॉरेट है उन्हें टू का नोबेल प्राइज मिला है एट द सेम टाइम यहाँ पे इकोनॉमिक जो है सोशली कॉन्शियस किस प्रकार से हम कर सकते हैं उन्होंने किस प्रकार से किया है इंपॉर्टेंस क्या है इट्स स्टोन ऑफ डिस्कसिंग इंपैक्ट ऑन इकोनॉमिक्स एंड पीस यूनिस जो है मोहम्मद यूनिस उनका जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स और पीस के बीच में जो संबंध है जिससे हम कनेक्शन कहते हैं यहाँ पे हमें दिखाई देता है पैराडिगम शिफ्ट इन इकोनॉमिक्स किस प्रकार से शिफ्ट हुआ है इकोनॉमिक्स में फोकस क्या था डिस्कसस हाउ यूनस चैलेंजेस ट्रेडिशनल इकोनॉमिक मॉडल्स जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक मॉडल्स है उसको उन्होंने किस प्रकार से अपोज किया है और चैलेंज किया है टू स्टॉप इट बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट एंड कंपटीशन ये जो है ये चैलेंज द तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक मॉडल का इसका सिग्निफिकेंस है इट शोज द रेडिकल डिपार्चर यूनस मैक्स फ्रॉम कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स एएमिंग फॉर कोऑपरेटिव ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस कोऑपरेटिव ग्रोथ किस प्रकार से होता है जिन्होंने स्टार्ट किया था क्या ग्रुप लोन देना जिसे हम कहते हैं ग्रुप में लोन देना स्टार्ट किया था था एक शिफ्ट चेंज था कुछ नए पॉलिसीज अप्लाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट में थर्ड देखिए माइक्रो क्रेडिट एंड एम्पावरमेंट किस प्रकार से हुआ है नाउ फोकस है इट एक्सप्लेन्स माइक्रो क्रेडिट मॉडल थ्रू ग्रामीण बैंक एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ अंडर प्रिविलेज पीपल इंपॉर्टेंस है हाईलाइट सिनेसेस प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर पॉवर्टी एलिवेशन मेकिंग इकोनॉमिक्स एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल जस्टिस उन्होंने पॉवर्टी किस प्रकार से कम की थी विद द हेल्प ऑफ वॉट इट्स प्रैक्टिकल स्टेप्स विद द हेल्प ऑफ ग्रामीण बैंक द जेंडर एंगल हमने यहाँ पे देखा है पे पर्टिकुलर एम्फेसिस क्या है उन्होंने एम्पॉरिंग वीमेन थ्रू माइक्रोलोन्स वीमेन एम्पॉरमेंट यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमें दिखाई देता था इंपॉर्टेंस है इट शोज हाउ जेंडर स्पेसिफिक इकोनॉमिक इंटरवेंशन कैन लीड टू ब्रॉडर सोशल बेनिफिट देखिए वहां पर एम्पावरमेंट स्टार्ट किया था वीमेन का लेकिन इसका फायदा पे हुआ है सोशल बेनिफिट क्या हुए एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू पीस और इसका फायदा शांति मेंटेन करने के लिए किस प्रकार से हुआ था और सोशल एक पीस हमें यहाँ पे दिखाई देता है एंड इट वाज क्रिएटेड जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्रामीण बैंक एंड मोहम्मद यूनिसेस मॉडल नाउ नंबर फाइव द सोशल बिजनेस मॉडल था सोशल बिजनेस मॉडल सोसाइटी का डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली करना था फोकस था इंट्रोड्यूस इन कॉन्सेप्ट सोशल बिजनेस एज फॉर प्रॉफिट वेंचर विद सोशल गोल्स टू प्रॉफिट वेंचर मतलब क्या होता है सोशल गोल जो है सोसाइटी का डेवलपमेंट मतलब नेशन का डेवलपमेंट है ह्यूमन राइट हमें यहाँ पे ऑब्जर्व होता है इसका सिग्निफिकेंस जो है आर्टिकल में दिखाई दे है इट एक्सपांड द इकोनॉमिक फ्रेमवर्क टू इंक्लूड बिजनेस इज दोशल गुड not just profit now number 6 economics and peace economics aur peace ka kya connection hai focus है connects the dots between economic justice poverty alleviation and a lasting peace yahan pe economic justice jo hai उसके बाद में poverty एलिवेशन मतलब poverty को खत्म करना और lasting पीस Continually ये peace जो है maintain रहना चाहिए society में और इसका significance क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम इज फाउंडेशन फॉर पीसफुल सोसाइटी अगर आपका इकोनॉमिक मॉडल तो वहां पे आपको 101% परसेंट पीसफुल सोसाइटी आपको यहाँ पे दिखाई देगी सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट एवरी वन टू सब्सक्राइब द चैनल And if you like the video, share it.